दोस्तों, आज की कहानी है वो इंग्लिश वाली पर्ची। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे सुधा, कहाँ हो? जरा एक कप चाय पिला दो, राकेश जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी। सुधा जी की उम्र 45 साल थी और वो सिर्फ 8वीं तक पढ़ी थी। मायके में जिम्मेदारियों के बोझ ने पढ़ने नहीं दिया। 16 की उम्र में शादी हो गई। ससुराल में रूढ़िवादी सोच ने आगे बढ़ने से रोक लिया। साधारण घर में शादी हुई, पर लक्ष्मी स्वरूप सुधा जी के कुशल नेतृत्व में राकेश जी ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि समाज में एक उच्च स्थान भी प्राप्त किया। सब जीवन में आगे बढ़ गए, बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने। राकेश जी एक सफल उद्योगपति, छोटे से घर से एक बहुत बड़ी कोठी के मालिक बने, लेकिन सुधा जी वहीं के वहीं रह गई। एक आम गृहिणी जिसकी याद घर वालों को केवल खाने, कपड़े और अपने रोजमर्रा के काम के लिए आती थी। धीरे धीरे अकेलेपन ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। परिवार के स्टैंडर्ड के साथ खुद को मैच नहीं कर पाती थी। फैमिली गैदरिंग से बचने लगी। एक बार छोटी बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। सब दोस्त रिश्तेदार इन्वाइटेड थे। सुधा जी वहाँ बर्थडे गर्ल की माँ की तरह नहीं बल्कि एक वेटर की तरह भाग दौड़ में लगी थी। केक कटिंग के बाद सब ने गेम खेलने को सोचा। पर्चियाँ बांटी गई, जो पर्चियों में लिखा था वही करना था। सुधा जी ने बचने की कोशिश की पर नहीं बच पाई। सुधा जी के हाथ में पर्ची आई, उन्होंने खोली और चुपचाप पर्ची को देखती रही। काफ़ी देर तक सब ने इंतज़ार किया। बेटी के दोस्तों ने कहा, आंटी कितनी देर लगाओगे, जल्दी बोलो क्या आया। सुधा जी के आंखों में आंसू आ गए। बेटी ने हाथ से पर्ची ली। दोस्तों ने सारी पर्चियां अंग्रेजी में लिखी थी। सुधा जी समझ नहीं पाई और बेबस आंखों से आंसू बह निकले। सब लोग हैरान थे। एक ने प्रश्न किया, क्या हुआ, आंटी बोली क्यों नहीं, वो मम्मी को इतनी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। एक ठहाका गूंज उठा, अरे ये तो बहुत ही सिंपल लाइन थी, कितनी पढ़ी हुई है आंटी। 8th स्टैंडर्ड, हाँ समझ सकते हैं, पुराने लोग पुराने विचार पढ़ाया नहीं होगा, पर अंकल आप तो पढ़ा देते। शादी के बाद राकेश जी को लगा बात सुधा के अपमान से होती हुई उनके अपमान तक आ पहुंची है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पार्टी खत्म हुई और सुधा जी एक नए जख्म के साथ रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गई। एक दिन बाहर कपड़े सुखाते हुए कुछ महिलाओं को झुंड बनाकर जाते हुए देखा। उन्हें हैरानी हुई, सुबह सुबह थैला लिए ये कहाँ चल दी। वो अंदर जाने को मुड़ी तभी एक महिला आगे बढ़ी और बोली, नमस्ते बहन जी, आप नई आई हैं यहाँ? मेरा नाम निशा है, मैं योगा टीचर हूँ, सुबह सुबह हम यहाँ पार्क में योगा करते हैं। सुधा जी पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से बोली, जी अच्छी बात है, मैं जरा घर का काम देख लूँ, फिर मिलते हैं कभी। निशा जी बोली, घर का काम तो आपने जिंदगी भर किया होगा और अब भी कर ही रही हैं, आपको देखकर लगता है आप मेहनत पसंद है, क्योंकि स्थिति होते हुए भी आपने काम वाली नहीं रखी शायद, ये तो पीछे ही पड़ गई, सुधा जी ने सोचा और बस मुस्कुरा कर रह गई। चलिए हमारे साथ, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगे तो वापस आ जाना, और ये फ्री है, यदि आपको लग रहा हो कि मैं कोई फीस लेती हूँ। कोई बहाना ना बचने पर मन मार कर एक दरी लेकर सुधा जी साथ चल दी। घर में सब लोग सोए हुए थे, एक घंटे से पहले कोई नहीं जगने वाला था। वहाँ इतनी महिलाओं को योगा करते देख सुधा जी हैरान रह गई। औरतें कब से अपने स्वास्थ्य को लेकर इतनी सजग हो गई। योगा के बाद सबसे आखिर में हास्य आसन की बारी आई। निशा जी ने सुधा जी को कोई चुटकुला सुनाने को कहा। सुधा जी को तो अपना जीवन ही चुटकुला लगता था। उन्होंने बेटी के बर्थडे पर हुई पर्ची वाले इंसिडेंट को
इतने चटपटे और हास्य रस में लपेट कर सुनाया कि हंसते हंसते सबका पेट फूल गया। उसके बाद कुछ चटपटी गपशप के बाद सब अपने घर चली गईं। उसके बाद तो सुधा जी को ऐसा चस्का लगा कि बिना योगा के दिन की शुरुआत ही नहीं होती। कुछ समय बाद निशा जी ने योगा के बाद आधा घंटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देना शुरू किया। उसमें बोलने बैठने का तरीका, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना सब सम्मिलित था। इस सब के साथ करीब एक वर्ष हो चला था। एक दिन योगा के समय सबको संबोधित करते हुए निशा जी ने कहा, पूरी कॉलोनी परसों इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेगी। मैं चाहती हूँ सुधा जी इंस्ट्रक्टर के तौर पर सबको योगा कराए, वो भी इंग्लिश में। सुधा जी ने हैरानी से देखते हुए पूछा, इंग्लिश में ही क्यों? क्योंकि हमारी कॉलोनी में कुछ परिवार हिंदी भाषी नहीं हैं, उन्हें ठीक से हिंदी नहीं आती। लेकिन मैं कैसे? मैं आपको लिख कर दूंगी। उसके बाद वो दिन और उससे अगला दिन सुधा जी एक बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चे की तरह लगी रहीं, घर वालों के सामने छुपा लेती, उनके हटते ही अभ्यास करना शुरू कर देती। आखिरकार वो दिन आया, बहुत बड़ा पंडाल लगा, सब लोग मैट बिछा कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सुधा जी का परिवार भी वहीं बैठा था। निशा जी ने माइक पर घोषणा की, आज योगा डे पर हमारी कॉलोनी की अद्भुत सौम्य और भव्य शख्सियत की मालिक सुधा जी हम सबको योगा सिखाएंगी। सुधा जी का परिवार किसी और सुधा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये क्या, ये तो अपनी सुधा है। आत्मविश्वास के साथ माइक की तरफ आते हुए उसके बाद जो सुधा जी ने धड़ाधड़ इंग्लिश में जो योगा कराया, लोगों ने जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया। ये सब देख सुधा जी भावुक हो उठी। सब निपटने के बाद उनके परिवार ने उनको गले से लगा कर कहा, वाओ मम्मी आप तो छुपी रुस्तम निकली। राकेश जी बोले, तुमने तो कमाल कर दिया सुधा। निशा जी आगे आकर बोली, राकेश जी अगर आप शादी के बाद या उस दिन पार्टी में आगे बढ़कर इनका साथ देते तो ये कमाल कब का हो चुका होता। सुधा जी ने हैरानी से निशा जी की तरफ देखा, वो मुस्कुराते हुए बोली, जी सुधा जी उस दिन मैं भी थी पार्टी में, पर आप सबसे इतनी अलग थलग और कामों में इतनी मशगूल थी कि आपको शायद पता भी नहीं कि पड़ोस का कौन कौन सम्मिलित था। उस दिन आपको मेहनत करते देख समझ आ गया कि यही मेहनत किसी दूसरी फील्ड में भी कराई जाए तो आप धूम मचा सकती हैं। अब की बार सुधा के आंखों में जो आंसू थे वो गर्व, खुशी और कृतज्ञता से परिपूर्ण थे। इन आंसुओं को भाषा की ज़रूरत नहीं थी, ना हिंदी ना इंग्लिश। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।